विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं रणवीर पांडे, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले षष्ठ पाठ है गृहम शून्यम सुताम बिना, छठे पाठ घर खाली है कन्याओं के बिना, कन्या के बिना। तो इस पाठ का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो देखिए, इस पाठ का वाचन हो गया था, अब व्याख्या बाकी थी, तो इस पाठ की व्याख्या हम लोग करते हैं। देखिए, यह पाठ जो है कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो देखेंगे, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे गर्मी की छुट्टी में पितृगृहम पिता के घर आगच्छत आ गई, मतलब शालिनी जो एक स्त्री है वह अपने ससुराल से मायके आ गई, पिता के यहाँ आ गई है। तो वही कह रहे हैं, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छत। शालिनी गर्मी की छुट्टी में अपने पिता के घर अर्थात मायके आ गई। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ती। सभी लोग प्रसन्न मन से उसका स्वागत किए। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, परंतु उसकी भौजाई भाभी, भ्रातृजाया माने भाभी, उदासीना इव दृश्यते, उदासीन अर्थात उदास दिखाई दी, उदास इव माने तरह, उदास की तरह दिखाई दी अर्थात वह उदास दिखी। शालिनी को उसकी भाभी उदास दिखी। शालिनी भ्रातृजाया चिंतिता इव प्रति से, शालिनी पूछती है भाभी चिंतिता माने चिंतित हो, शोका कुल हो, यु प्रति से प्रतीत हो रही, दिखाई दे रही हो, क्यों चिंतित दिखाई दे रही हो। वह कहती है भ्रातृजाये चिंतिता यु प्रति से, भाभी तुम चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वम सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक है खलु माने निश्चय ही, यहाँ कुशलम कुशल ठीक। तो कहती है कि सब ठीक है माला, आम शालिनी, माला कौन है, माला उसकी भाभी है। तो कहती है, माला बोलती है अर्थात उसकी शालिनी की भाभी बोल रही है, आम हाँ शालिनी कुशली कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आन यानी, तुम्हारे लिए क्या लाऊँ। त्वदर्थ माने तुम्हारे लिए, किम माने क्या, आन यानी माने क्या लाऊँ। शीतल पेयम चायम हुआ, ठंडा या चाय, ठंडा अथवा चाय, वह मतलब कोई किसी के घर आता है तो उसका जो है स्वागत में उसको चाय पानी दिया जाता है। तो इसलिए शालिनी भी जो है ये माला अपनी ननद अर्थात शालिनी से पूछ रही है कि त्वदर्थम किम आनयन, मतलब तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, ठंडा या चाय। शालिनी शालिनी कहती है, अधुना तू किम अपना वांछा, इस समय तो मैं कुछ नहीं चाहती, मतलब अधुना इस समय तू किम पिना वांछब, इस समय तो मैं कुछ नहीं चाहती अर्थात मैं कुछ ठंडा या चाय नहीं लूँगी। वांछब मैंने चाहती हूँ, इच्छा करती हूँ, इस समय मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है। रात्रौ सर्वे सह भोजनम यो करिष्यामि, रात्र में सभी लोग साथ में भोजन करेंगे, खाना खाएंगे, रात्र में सभी लोग साथ में भोजन करेंगे। भोजन काले मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, प्रतीयते अस्म, भोजन के समय खाने के समय भी माला की मनोदशा मन की दशा मन की स्थिति स्वस्था न प्रतीयते, प्रतीयते अस्म मतलब स्वस्थ नहीं दिखाई दी थी, मतलब भोजन के समय भी माला की दशा मन की दशा अर्थात तो उसके जो मन या उसका जो कष्ट था वह कम नहीं हुआ,
मन का दुख दूर नहीं हुआ था। इसलिए कह रहे भोजन काले मालाया मनोदशा स्वस्थाना प्रतीते प्रतीते, भोजन के समय भी मालो माला की मनोदशा ठीक स्वस्थ नहीं प्रतीत हुई। परम स मुखेन किमप नोक्तोति कि फिर परंतु परम स मुखेन परंतु वह सामान्य वह मुखेन मुख से किमप नोक्तोति किमप माने कुछ भी न माने नहीं उक्तवती मतलब कुछ भी बोल ना सकी। फिर परंतु वह मुख से कुछ बोल ना सकी उसके मन की दशा जो है ठीक नहीं थी। उसके मन में तमाम उधेड़ बुन चल रहे थे स्वस्थ नहीं थी फिर भी वह कुछ बोल मुख से बोल नहीं सकी। राकेश है उसी समय राकेश सत भगनी शालिनी दिष्टया तुम समागता बहन शालिनी तुम ठीक समय पर आई हो। समागता माने आई हो मतलब वह कहता है राकेश उसका भाई शालिनी का भाई अर्थात माला का पति तो कहता है राकेश है भगनी शालिनी दिष्टया तुम समागति समागता बहन शालिनी तुम ठीक समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसयु निश्चिता आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग या गोष्ठी सहसयु निश्चिता एकाएक निश्चित हुई है एकाएक सुनिश्चित हुई है कि मतलब वह कह रहा है कि इस मीटिंग की कोई संभावना नहीं थी फिर भी एकाएक हमारे कार्यालय में एक मीटिंग रख दी गई है। तो देखें कि अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसयु निश्चिता आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण अति आवश्यक मीटिंग गोष्ठी सहसयु निश्चिता एकाएक निश्चित की गई है। अद्य माला या चिकित्सया सह मेलनस्य समय निर्धारित है आज ही माला को डॉक्टर से मिलने का समय भी निर्धारित है अर्थात आज माला को डॉक्टर को दिखाना है निर्धारित समय है। तुम माल्या सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ तुम माला के साथ चिकित्सा अर्थात डॉक्टर के पास जाओ तस्या परामर्श अनुसारम यद विधेयम तत् संपादय तस्या मतलब उसके द्वारा उस डॉक्टर के परामर्श के अनुसार यद विधेयम तत् संपादय जो कहे उसको जो है उसको संपादित करो उसको पूरा करो अर्थात डॉक्टर जो कहे जो दिशा निर्देश दे उसका पालन करो अर्थात वैसा करो। देखिए कह रहे हैं कि सह चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारित डॉक्टर से मिलने का समय आज ही निर्धारित है। तुम माल्या सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ तस्या परामर्श अनुसारम उसके कहे गए अनुसार या उस वह जैसा बताता है उस अनुसार यद विधेयम तत् संपादय जैसा कहता है वैसा करो। शालिनी किम भवति शालिनी पूछती है क्या हुआ भ्रातृजाया स्वस्थ समाचीन नास्ति क्या भाभी स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है नहीं है अहम तु हा प्रभृत्य पश्यामि स स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीते अस्मि अहम तु स्व हा प्रभृति मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि स स्वस्था प्रतिभाति इति प्रतीते अस्मि यह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है यह मन से स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है। तो इतना ही आज के लिए।